नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार जॉस्ट्री में। तो दोस्तों, आज है 13 सितंबर और आज फिर से बात करने वाले अपन बिहार विधानसभा ग्रुप डी के इंटरव्यू में पूछे जाए गए जो भी प्रश्न है 13 सितंबर को, उसके बारे में। फ्रेंड्स, ये जो है 13 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से जो भी यहाँ पर मिल पाया हमने लेके आए हो। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि मैंने फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो डाली थी जो कि एक स्टूडेंटों के द्वारा जो वहाँ से जो बताया गया था, और काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने भी यहाँ पे जवाब दिया। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फिर से लेके आया हूँ फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड की जो क्वेश्चन यहाँ पे जो भी मिल पाया हम यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं नंबर के लिए, तो प्लीज़ उन लोग से रिक्वेस्ट है कि मैं नंबर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप लोग के लिए मैंने एक सुझाव देना चाह रहा हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे जो है, यानी कि इस वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में, मैंने अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा हूँ। आप वहाँ पे प्लीज़ आके जो है हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे बात भी कर रहे हैं और जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है सारे वहाँ पे डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं और हम साथ में जो है वहाँ पे बात भी कर सकते हैं। और फ़ोन नंबर देने में ये दिक्कत होती है क्योंकि घर पे रहते हैं हमेशा, फ़ोन आएगी तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, घर पे जो है पेरेंट्स भी थोड़ी, उनको भी समय देना होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे और बात करते हैं। सबसे पहले आज का जो है क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ पहले जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं वो जो है फर्स्ट शिफ्ट की क्वेश्चन है जो स्टूडेंटों द्वारा वहाँ पे जाने के बाद जो पूछा गया था। सबसे पहले तो उनसे जो पूछा गया था उनका नाम, उसके बाद पूछा गया था कि वो कहाँ से आए हैं, किस जिले से आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो यहाँ पे पूछा गया था कि उसके बाद तीसरा क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को पता होगा मैंने पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे ऐसे वीडियो मैंने डाले थे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जितने भी थे तो उनमें मैंने सारे जितने भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने डाला था। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये भी आता है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। आप लोग को पता होगा ये जो 1946 से 1961 ईस्वी तक रहे हैं, और इनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बता दूँ, ये जो है सर्वाधिक काल तक जो है समय तक बिहार के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है और इससे जो रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे बनती भी है, पूछी भी जा सकती है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखें अगर आप लोग की इच्छा हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, बिहार में कितने जिले थे, तो 38 जिले हैं आप लोग को पता ही है। और फ्रेंड्स, अगर आप जिस भी जिले से हैं उस जिले का जो वहाँ पे विधायक का नाम और उस एरिया में यानी उस जिले में क्या चीज़ प्रमुख है उसका नाम आपको याद रखना होगा। कोई स्थान हो सकता है या कोई व्यक्ति हो सकते हैं या कोई फसल, वहाँ पे ये भी पूछा जाता है। अगर आप जैसे किसी भी जिले के हैं, सपोज आप दरभंगा के हैं या मुजफ्फरपुर या सिवान छपरा कहीं का भी हैं, तो आपको वहाँ का जो है ये भी पूछा जा सकता है कि उस ज़िले में सर्वाधिक किस चीज़ की उपज होती है, या वहाँ का विधायक का नाम पूछ लिया जाएगा, या हाल ही रिसेंटली में ही जो वहाँ पे कोई घटना हो चुकी होगी उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ये सब थोड़ी सी ध्यान में रखें आप लोग। नेक्स्ट जो पूछा गया था, बिहार विधानसभा में कितने सीट हैं, वहाँ पे पूछा गया था कि विधानसभा जो है बिहार विधानसभा में उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, इस तरह से वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग को पता है सीटों की संख्या पूछी जाए या सदस्यों की संख्या पूछी जाए, तो वहाँ पे जो आप लोग को बताना है, सदस्य तो अभी जो है 442 है, एक रिक्त पद जो है बची हुई है, लेकिन यहाँ पे सीटों की संख्या अगर कहें तो 243 टोटल है, ये आपको ध्यान में रखनी होगी फ्रेंड्स। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पटना उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश कौन थे। जी फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा कि पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वह न्यायमूर्ति APC हैं। आप लोग फोटो भी देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और इन्हें जो है वह लालजी टंडन जी जो थे, जो उस समय यहाँ के जो है वह गवर्नर थे बिहार के, तो उन्होंने ही जो इन्हें शपथ दिलाया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था, बिहार के जल मंत्री कौन है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है कि पूछा गया था स्टूडेंट से कि जल मंत्री जो है बिहार के कौन है, तो आप लोग को पता है संजय झा जो है जल मंत्री हैं। और फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन कोई एक स्टूडेंट से नहीं पूछा गया है, बल्कि अलग अलग स्टूडेंटों के द्वारा यहाँ पे जो बताया गया वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और आपको बता दूँ वहाँ पे जो है एक स्टूडेंट से करीब 10 क्वेश्चन भी पूछी ली जाती है, या 5 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन, यानी कि नॉर्मली जो है 5 से लेकर 10 के बीच में यहाँ पे क्वेश्चनों की संख्या होती है और पूछी जाती है। ठीक है, और वहाँ पे इंटरव्यू जो है 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक एक स्टूडेंट पे दिया जाता है, या कोई कोई स्टूडेंट पे 4 मिनट भी दिया जाता है, उनसे 2-3 सवाल पूछ के फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। ठीक है,
अगर आप सबसे पहले अगर वहाँ जाते हैं तो आपको जो है बाहर में बैठाया जाएगा चेयर पे, और वहाँ पे जो आपकी थोड़ी चेकिंग वगैरह होगी, और उसके बाद जो है सारा नाम और आपका रोल नंबर ये सब देखा जाएगा। उसके बाद आपकी जो है वो अटेंडेंस बनेगी जो कि थंब सिस्टम से बनती है, आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। उसके बाद जैसे जैसे आपकी रोल नंबर के हिसाब से कैबिन दिया जाएगा, उसके बाद जिस तरह से आपका जो नंबर आएगा उस तरह से जो आपको बजाया जाएगा, शिफ्ट बाई शिफ्ट जो वहाँ पर होती है, ठीक है। और आपको बता दूँ एक शिफ्ट में जो है 775 टोटल जो है स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं एक शिफ्ट में इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। और फिर से दूसरे शिफ्ट में भी जो 1 बजे से 6 बजे तक चलती है उसमें भी इसी तरह का रूल है, यानी कि टोटल आपको बता दूँ 1500 से 1550 के बीच जो है एक दिन में स्टूडेंट का जो है वहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान में रखें। और वहाँ पे जो है आपको मैंने बताया शायद 11 केबिन उसमें है, और उस हिसाब से जो है स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं, और अलग अलग केबिन में जो है वह दो दो व्यक्ति वहाँ पे बैठे होते हैं जो कि इंटरव्यू लेते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो वहाँ पे जो पूछा गया था कि आप जिस जिले से हैं वहाँ का मुख्य फसलें क्या हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था सेम वही है। नेक्स्ट जो पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो आप लोग को पता है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। और उपराष्ट्रपति के बारे में भी पूछा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया है, शिक्षा मंत्री के बारे में भी पूछा गया, बहुत सारे ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जिनके बारे में पूछा जा रहा है। जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था चंद्रयान 2 के बारे में कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि इसरो के बारे में थी कि इसरो का फुल फॉर्म क्या था, उसकी स्थापना कहाँ कब हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? जी हाँ फ्रेंड्स, पूछा गया था बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, तो बिहार के शिक्षा मंत्री जो है वर्तमान में कृष्ण नंदन वर्मा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट जो है वो आप कहाँ तक पढ़े हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो पूछी गई थी, और कुछ स्टूडेंट से जो वहाँ पे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़वाई गई थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। और फ्रेंड्स आपको बता दूँ आप जिस पोस्ट के लिए हैं तो आपको उनके बारे में भी कुछ जानकारी लेनी होगी, चाहे आप जो भी पोस्ट से हो, अगर ऑफिस अटेंडेंट के लिए जाते हैं तो उसके वर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको जो है उसका स्पेलिंग तक वहाँ पे पूछ लिया जाता है कि ऑफिस अटेंडेंट का स्पेलिंग क्या है वो पूछ लिया जाता है। अगर आप जो प्यून के लिए जाते हैं तो उसका भी स्पेलिंग पूछ लिया जाता है। जैसे कि कमेंट बॉक्स में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि हमसे जो है वह प्यून का जो है स्पेलिंग पूछा गया, तो इस तरह से वहाँ पे जो इंटरव्यू में कुछ भी पूछ लिया जाता है। इसलिए आप लोग थोड़ी वहाँ पे जो जाएंगे जब थोड़ा आराम से बैठे और अपने को दिलासा दे कि हम सारे क्वेश्चन को वहाँ पे जवाब दे सकते हैं, ये नहीं कि हड़बड़ा के कुछ भी गलत बोल दिए। वहाँ पे दो व्यक्ति रहते हैं, एक पूछते हैं और एक आप पे ध्यान रखते हैं आप क्या बोल रहे हैं और किस तरह से आप जो है वहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछी गई थी, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछी गई है जो कि मैंने प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने बताई थी कि विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखी है जितनी भी बिहार विधानसभा से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने बताए थे, तो प्लीज़ आप जाके चैनल पे जो है वीडियो में सर्च कर सकते हैं, वहाँ चेक कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिलेगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप ध्यान में रखते हुए चलें। अगर आपकी नेक्स्ट जो डेट में अगर इंटरव्यू है तब अगर 2-4 दिन अगर आपके पास समय है तो ज़रूर ये सारे चीज़ों कवर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत की जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख का नाम बतावें, ठीक है। तो आपको बता दूं भारत के जो है तीनों यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना के जो प्रमुख होते हैं वह भारत के राष्ट्रपति होते हैं जो कि वर्तमान में अभी रामनाथ कोविंद है, ठीक है। और अगर इस तरह से आपको पूछा जाए कि थल सेना के अध्यक्ष कौन है या उसके प्रमुख कौन है, तो उस हिसाब से आप बता सकते हैं बारी बारी से। और इसमें होता है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है जो कि रामनाथ कोविंद है। और ये आपको बता दूँ तीनों सेनाओं का जो है मुख्यालय वह नई दिल्ली में होता है, ठीक है। तो ये बात की भी आप ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट जो पूछा गया था कि आप जिस पोस्ट के लिए हैं उस पोस्ट का जो है स्पेलिंग बतावे, जैसे कि मैंने बताया था फ्रेंड कि जो भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं अप्लाई करने के वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, तो उसके बारे में कुछ आपको जानकारी होना चाहिए, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछी गई थी कि मुख्यमंत्री किस सभा के अंग होते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, ये स्टूडेंटों द्वारा पूछी गई क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट शिफ्ट की क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि मुख्यमंत्री किस भाग के अंग होते हैं, किस सभा के अंग होते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि मुख्यमंत्री जो है वह विधानसभा के जो अंग होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो, और आपको फिर से बता दूं कि भारत की जो है
मुख्य प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन है? जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया गया है। यहाँ पे जो है ये नहीं पूछा गया कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, यहाँ पे पूछा गया है बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन है। तो इस पे भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी कि एक क्वेश्चन को वहाँ पे जो है घुमा के पूछी जाती है, मीनिंग उसका एक ही होता, बस क्वेश्चन आप पूछने का टाइप अलग हो जाता है। जिस तरह से यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन है, तो विजय कुमार जी हैं, या वहाँ पे पूछा अगर जाए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ये भी आप बता सकते हैं कि विजय कुमार चौधरी ही हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, बिहार के कानून या विधि मंत्री कौन है? जी हाँ फिर एक स्टूडेंट के द्वारा जो वहाँ पे पूछा गया था कि बिहार के जो है विधि मंत्री कौन है, मैंने यहाँ पे कानून मंत्री ऐड करा इसलिए कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार के जो विधि मंत्री कहें या कानून मंत्री कहें, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, बिहार के कानून मंत्री या विधि मंत्री कौन है? नरेंद्र नारायण सिंह है। ठीक है, ये जो है RJD से हैं, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे जो पूछा गया था, बहुत सारे स्टूडेंट द्वारा कमेंट करा गया था कि प्लीज़ वहाँ पे जो है बताया कि जो विधानसभा जाने का जो रास्ता किधर से है, कैसे जाएं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता दूँ, आजकल एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना है, आप लोग एक बार सर्च करोगे तो आपको सारा डिटेल वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन मैं बता दूँ, अगर आप लोग जो वहाँ पर अगर बस स्टैंड से जाते हो, तो आपको वहाँ पे जाने के बाद ऑटो वाले से अगर पूछोगे तो आपको आराम से वहाँ बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि पटना बस स्टैंड से जो है सबसे पहले आप लोग को जो है अनिसाबाद गोलम्बर के लिए जो है ऑटो लेना होगा। ठीक है, और फिर जो है उसके बाद अनिसाबाद गोलम्बर से जो है बिहार विधानसभा के लिए वहाँ पे ऑटो मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको करीब जो है वही 20 से 40 रुपये के करीब जो वहाँ पे आपका जो है ऑटो रिक्शा के लिए वहाँ पे जो है पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग स्टेशन से जाते हैं तो वहाँ से बस चलती है, आप वहाँ से भी पता करके वहाँ से जो है जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे पहुँचना है आप लोग को, आप लोग को पता ही है गेट नंबर 6 पे पहुँचना है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है, पुरानी बिहार विधानसभा के ठीक अपोजिट साइड यानी कि उल्टे साइड जो है वह गेट नंबर 6 आपको दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, और वैसे आप पटना जाओगे तो बिहार विधानसभा का नाम लोगे तो कोई भी आपको वहाँ का रास्ता बता ही देगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो 13 सितंबर की थी फ्रेंड्स, तो मैंने दी। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो का आप लोग लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि और फ्रेंड्स मोटिवेशन हम लोग को मिल सके कि आगे की जो भी वीडियो हो, जो भी क्वेश्चन हो, मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग तक पहुँचाऊँ। अगर आप लोग अगर चाहते हैं कि पर डे की इसी तरह का अगर आप लोगों को क्वेश्चन मिलता रहे, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन उसका चला जा सकता है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आप लोग अगर लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आपका 14 तारीख में अगर है एग्ज़ाम, आपका इंटरव्यू है, तो प्लीज़ अपना नंबर जो है फेसबुक पेज पे आके कमेंट कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जो है कमेंट कर सकते हैं आप अपना नंबर। ठीक है, तो मैं उनसे कांटेक्ट करूँगा, और जो भी दिक्कतें होगी उनसे बात भी करूँगा, और जो भी वहाँ पे इंटरव्यू में पूछी जाएगी क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।